जी आपके आज का सवाल है, आपको 63 और 47 को बताना है, जोड़कर क्या आएगा? 63 और 47, जी तो ये हो गया 107। हाँ किशन भाई, 63 और 47 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 63 और 47, 7 8 9 10, अगर 60 60 40 100, 7 उधर बचा और 3 10, 110। 63 और 47 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 110 अच्छा आपने क्या कहा, 107 बताया था आपने, तो आपने अगर अपने आंसर को एक बार जब वेरीफाई करना चाहेंगे कि आपने ठीक बताया गलत बताया है? 63 और 47, मैं तिरसठ रिपीट और कर देता। सैतालीस तो 110 हुए। अच्छा तो अभी आपने कैसे जोड़ा, पहले आपने 107 बताया था, तब आप मतलब चला पता कहाँ गलती की थी आपने? तो उस समय मैंने 4 और 3 जोड़ दिया था, अच्छा तो 47 जो है उसको 44 समझ के 63 में जोड़ दिया था। अभी कैसे आंसर निकाला आपने? और अभी जो ये 110 आंसर निकाला है, वो निकाला है कि 40 और 60 को तो एक साथ जोड़ दिया, वो हो गया 100, और फिर उसके बाद 7 और 3 को जोड़ के 10, तो 110 हो गया। बहुत बढ़िया, आपने बताया था 43 से 41 किशन भाई, तो जी आपने क्या तरीका अपनाया था, मानसिक प्रक्रिया बताएंगे अपनी? जैसे स्कूल टाइम में हमको सिखाया जाता था ना, पहले मैंने कैलकुलेशन की स्कूल टाइम में सिखाया जाता था कि इकाई के नीचे इकाई रखो और दहाई के नीचे दहाई रखो। तो पहले मैंने 63 और 47 को एक विजुलाइज करने की कोशिश की कि 3 के नीचे 7 आएगा, तो 7 और 3 10 कर रहा था, फिर जोड़ लगा के 1 मैं कैरी ले जा रहा था 6 के ऊपर। बट अब वो कैरी याद रखना और उस नंबर को याद करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो गया। देन मैंने उस प्रक्रिया को हटाकर फिर मैंने अगेन शुरू किया कि 63 में से 60 निकाल लिया और 47 में से 40 निकाल लिया, तो 60 और 40 कर दिया 100। फिर जो 47 का 7 बचा और 63 का 3 बचा और 7 में से जब 3 जोड़ा तो हो गया 10, यानी कि 100 जमा 10 जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे ज़्यादा आसान लगा इसको कैलकुलेट करने में, तो वो निकला 110। और जब मैंने इसको कैलकुलेटर में भी किया तो आंसर सही था। बहुत बढ़िया महंग भाई, आप बताएंगे आपका जवाब कैसा है? मैंने 63 में 7 जोड़ा जो कि हो गया 70, और 70 में फिर 40 जोड़ दिया 110। अच्छा महंग भाई, ये आपने जो तरीका अपनाया, ये तरीका मतलब स्कूल में कभी किसी ने सिखाया था कैसे, मतलब इस तरीके से आपने किया? इतना तो याद नहीं है कि स्कूल में सीखा था या नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जब हम कैलकुलेशन करते रहते हैं तो हमारा माइंड अपने आप ही नए नए तरीके सोचता है कि आसान तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है। रितेश भाई, ये जो तरीका आपने किया अभी, जिस तरह से अभी बता रहे थे आप, तो ये जो तरीका आप कहाँ से मतलब खुद से सीखा, किसी ने सिखाया आपने, या स्कूल में कभी सिखाया गया हो, ये आपको कहाँ से चला पता चला तरीका? ये मुझे लगता है कि जब हम लोग बहुत सारे इस तरीके की संक्रियाएं करते रहते हैं दैनिक जीवन में, और ख़ास करके जब कुछ रुपए पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं बाजार में या कहीं पे, और दूसरों को भी देखते हैं करते हुए, अपने घर परिवार के लोगों को करते हुए इस तरीके के देखते हैं, तब मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही अनायास ही किसी को देख के या खुद से ही करते हुए ये सीखा है। तो कहीं पर कोई इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि किताब में देखा हो या कहीं पर स्कूल में कभी करते हुए ये किया हो। अच्छा तो क्या बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, या बच्चे अपना आप ही, जैसे आप कह रहे हो हम सीख जाते हैं, उन्हें छोड़ देंगे वो अपना आप सीख जाएंगे, या फॉर्मली उन्हें क्लास में सिखाएं हम, इस पर आपका क्या बिल्कुल, विचार मुझे है? लगता है कि इस तरह के रिकमेंडेशंस भी आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो करिकुलम फ्रेमवर्क हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि बच्चों को जो भी ये गणित के सवाल हैं इनको दैनिक जीवन से भी जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा बेहतर तरीके से गणित को समझ भी पाते हैं और साथ ही साथ वो इसका आगे चल के अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर पाएंगे। किशन भाई, जी आपने जोड़ा था ये तरीका, आपने पहले आप कह रहे थे कि आप हासिल की तरह इसका लास्ट में बस सिखा रहे थे, जी जोड़ जी रहे थे इकाई दहाई वाला, जी फिर आपने एक अलग तरीके से जोड़ा, जी जैसे आपने 7 को अलग कर लिया, मैंने 40 को सात जोड़ा है जी ना, जी तो ये तरीका आपने कैसे आया, पता चला आपने कहीं सिखाया किसी टीचर ने, या कहाँ से चला पता आपको, खुद देखिए, से आपने याद कर लिया? स्कूल में सीखने की बात अगर करूं तो कहीं ऐसा सीखने को हमको नहीं मिला था, फिर भी आप मतलब सीख गए? हाँ, लेकिन जब विद्यालय में पढ़ते थे, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, पर वहाँ कभी इस तरह से अलग अलग तोड़ कर चीज़ों को नहीं सिखाया जाता था, और किताबों में मुझे ऐसा नहीं दिखा वहाँ पर कभी कि हम ऐसे बात कर इस तरह से जी किस कैलकुलेशन
अब मेरा सवाल ये है किशन भाई, अब जो मैंने सीखा जैसा आप मुझसे प्रश्न भी कर रहे हैं कि मैंने सीखा कहाँ से, ये लगातार एक प्रक्रिया होती है। जब भी हम अपने माता पिता से बाजार जाते हैं, एक दुकान जाते हैं, तो वो दुकानदार किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा होता है वहाँ थोड़ा जानने को मिला, और बहुत सारे साथी जो गणित में काम करते हैं उनसे चर्चा है करने के बाद, और जो उन्होंने सजेशन दिए थे कुछ पढ़ने को लेकर, बच्चों की रिसर्च को लेकर, तो वहाँ से भी जानने को मौका मिला कि हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दैट की कैलकुलेशन को टफेस्ट ना बनाकर उसको कितना इजी बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो वो आसपास चर्चाएं करके दैनिक जीवन में उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर बातचीत करके, देख कर ऑब्जर्व करके जानने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हो बाजार जाकर बड़ों के साथ अन्य लोगों से हम सीख ही जाते हैं जी, तो क्या क्लास में एक दो तीन की बात करें तो क्या बच्चों को वहाँ सिखाएं या वो बच्चे अपना आप सीख जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बच्चा कोई कहता है कि बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी तो सीखे, आपने स्कूल में सिखाया था, लेकिन सिखाया कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है, क्योंकि मेरी जो उम्र थी उस समय समझ बन चुकी थी मेरी कैलकुलेशन को लेकर, कि जोड़ घटा को लेकर, लेकिन एक अलग अलग तरीके को मैंने फील किया, अनुभव किया। अगर यही अनुभव कक्षा कक्ष में हम बच्चों के साथ करें, वो अनुभव उनको दें कि क्या हम जोड़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो बच्चे केवल यही एक तरीका नहीं जो मैंने अपनाया है, और भी तरीकों से बच्चे उसके जवाब अलग तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये अनुभव वो प्रयास हमको कक्षा कक्ष में करने होंगे, बजाय इसके कि हम उनको खुद से सीखने के लिए छोड़ दें, फील तो उनको देना पड़ेगा। जी धन्यवाद मयंक भाई, जैसे आपने भी कहा कि आपने तरीका सीख लिया खुद से, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल NCERT में या फिर NCERT किताबें कह रही हैं कि बच्चों को ये मानसिक गणना बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पर हम देख रहे हैं हमें तो गणना अपना आप आ जाती हैं, तो हम क्या क्लासरूम में सिखाने से कुछ फ़ायदा है बच्चों के, उन्हें पे टाइम के साथ जैसे हम सीख जाते वो भी सीख जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस से करते हैं और बेहतर होती जाती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ तब समझी जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। अगर ये कक्षा 1-2-3 में जैसा आप कह रहे हैं कि कक्षा 1-2-3 में अगर बच्चों को ये सिखाई जाएगी, तो बच्चा काफ़ी छोटी उम्र से ही इस पर काम करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन काफ़ी मजबूत होती है। तो रितेश जी, आप सभी का आपका मानना है कि फॉर्मली भी अगर हमने सिखाएं तो उसके बेहतर फायदे हम मिलेंगे बच्चों को 1-2-3 में, तो आपकी स्कूल में या आपकी नज़र में है कि ऐसा स्कूल में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो शिक्षकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि इस तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल की बात नहीं है, मुझे लगता है कि किताबों में भी ऐसे बहुत सारे अवसर बनाए जाने चाहिए। कुछ एक किताबों में हम देख सकते हैं कि ऐसे अवसर हैं बच्चों के लिए जहां पर वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ इस तरह के जोड़ और बाकी के सवाल कर सकते हैं उसमें, लेकिन शिक्षक के ऊपर भी ये काफ़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे अवसर बच्चों के लिए बनाए कक्षा कक्ष के अंदर, जहाँ पर वो कुछ बाजार के गतिविधियां लेते हुए बच्चों को ऐसे अवसर दे, और जहां पर बच्चे अलग अलग तरीके से जुड़े, और सिर्फ बहुत जल्दबाजी ये नहीं हो कि उत्तर तक कौन बहुत जल्दी पहुंच गया है या कौन से बच्चे ने उत्तर को बहुत ही फटाफट करके दे दिया है, वो कई बार अपेक्षा ये होती है कि कितनी जल्दी से जवाब दे दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गणित में जब संक्रियाएँ हम कर रहे होते हैं तो शिक्षक को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा जवाब तक पहुंचा कैसे, तो वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उस प्रक्रिया के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत होती है बच्चों को। जैसे आपने ये सवाल का उदाहरण लिया था कि इसमें इतने जुड़े हैं, तो आप अगर कक्षा 1-2-3 में कर रहे हैं तो हम छोटी संख्याओं को लेकर भी बच्चों के साथ में इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो है वो कर सकते हैं और करवाए जाने चाहिए। सिर्फ वही एक तरीका नहीं है कि हम ऊपर नीचे संख्याओं को लिख दें और वो उसको बच्चों को हल करने को दें। आपने गौर भी किया होगा कि जब हम मानक कलन विधि से जोड़ या बाकी के सवाल करवा रहे होते हैं तो बच्चों को ये देखने का उसमें अवसर नहीं होता है, जो मात्रा वाली समझ है कि आखिर ये 210 लिखा हुआ है तो वो 210 है कितना, उसमें अगर हम 10 जोड़ भी रहे हैं तो हम कितना जोड़ रहे हैं, ये जब हम दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मात्रात्मक समझ भी बच्चों में विकसित कर पाते हैं।
किशन भाई बच्चों का जो एग्जाम होते हैं उसमें तो बच्चों को बस आंसर लिखना होता है और नंबर मिल जाते हैं, तो ऐसे में अगर हम उन्हें ये प्रक्रिया अपनाएं तो, और हम उन्हें जांचते ही नहीं है, तो वो उन्हें लगता है वो सवाल सीख लें उत्तर लाना, तो फिर ये दोनों बातें कैसे हमारे एडजस्ट करी जाएंगी कि अलग अलग तरीके से भी जोड़ने से आप मेरे अच्छा होता है और हम जांचते तो हैं पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा, तो ऐसे में ये मानसिक प्रक्रियाओं का जब आकलन नहीं हो रहा शायद शिक्षक सिखाते भी नहीं है, इस पर आप कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि दोनों हमको कैसे अलग दिख रहे होते हैं, यहाँ जानने की बहुत आवश्यकता है कि क्या हम बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में सबसे पहले क्या प्री नंबर कॉन्सेप्ट पे चर्चाएं कर रहे हैं। अगर वो चर्चाएं बच्चों के साथ नहीं हो रही है और हम कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्टली बच्चा जो है अंकों को जोड़ना सीख जाए, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, है ना, वो बात सही है कि संख्याएं अमूर्त है और बच्चे ने उसको अमूर्तता में किस तरह से देखेगा जाना उसको एंड में जाके अमूर्तता की तरफ ही होता है लास्ट में, है ना, आएगा कॉन्सेप्ट वही कि आपको इकाई दहाई के नीचे जोड़कर ही आपको क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करना होता है। पर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ अगर कक्षा कक्ष में इस तरह से काम किया जाए, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को जो मानसिक गणनाएं होती हैं बच्चों के लिए अगर उस पर काम किया जाएगा बच्चों के साथ, तो और उनके जीवन से चीज़ों को जोड़ा जाएगा या जो उनके स्थानीय आसपास की चीज़ें हैं उससे अगर हम बच्चों को गणित सिखाएंगे, क्योंकि वो उन्हें परिवेश से जुड़ी हुई है ना, बजाय इससे कि मैं बच्चे से ये कहूँ कि अच्छा बताओ 5 + 7 कितना होता है, शायद बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला है। अगर मैं परिवेश की बात करता हूँ तो मैं ये कह दूँ कि तुम्हारे घर में 5 बकरियाँ और इसके घर में 7 बकरियाँ हैं, तो बताओ कुल मिलाकर कितनी बकरियाँ होगी, तो मुझे लगता है कि बच्चा जो है वो लगातार उस जीवन से जुड़ता जा रहा है अपने परिवेश से, तो वो बता पाएगा कि 7 और 5 कितना होता है। तो अगर ऐसी प्रक्रियाएं हम लोग बच्चों के साथ करें तो जो क्वेश्चन पेपर में जब सवाल आता है तो अपने परिवेश से उसको जोड़ पाएगा और उन सवालों को वो सही कर पाएगा, और साथ साथ में कक्षा कक्ष में ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केवल उत्तर आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उत्तर ये क्यों आया, उत्तर ये कैसे आया, अगर हम ये चर्चाएं भी करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे गणित में बहुत बेहतर कर पाएंगे और उनको गणित सीखने और करने में मज़ा भी आएगा। जी धन्यवाद किशन भाई। तो मयंक भाई, हम देखते हैं कि स्कूलों में जो हमारे असेसमेंट होते हैं कि जितने भी नेट का एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो उसमें जो सवाल आते हैं उसमें तो उन्हें मानक विधि के द्वारा सही जवाब देना होता है, और अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि मानसिक विधि से बहुत फ़ायदे हैं, दैनिक जीवन में बहुत लाभ हो जाएंगे, पर जब उनका आकलन अलग तरह का करते हैं, मानसिक विधियों का हम आकलन ही नहीं करते हैं तो शिक्षक सिखा भी नहीं रहे उन्हें, तो इस गैप को कैसे मेंटेन भरा जाएगा? इस गैप को इस तरह फिल किया जा सकता है कि जो कॉन्सेप्ट हमें बच्चे को सिखाना है उसको अलग अलग तरीकों से सिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि जो TLM आता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है हमें, तो जैसे कि नोट आए हैं, सिक्के आए हैं, उनका यूज़ करके अगर हम बच्चों को जोड़ या घटाने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो असलियत में बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे सीख पा रहे होंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें एग्जाम में भी फायदा मिलेगा और वो दैनिक जीवन दोनों में हर जगह मैथ का यूज़ कर पा रहे होंगे। धन्यवाद मैम। तो अभी हम देख रहे थे अलग अलग साथी लोग मानसिक प्रक्रियाओं के महत्व की बात कर रहे थे और सबका मानना भी कि सिखाना चाहिए, पर एक्चुअली जब हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित हम क्या ये 1, 2, 3 या फिर हम जोड़ना से घटाना इसलिए पढ़ा रहे हैं, या कि जैसे कि हम देखते हैं अगर NCERT पोजिशन पेपर क्या कहते हैं, एक टर्मोलॉजी में सिंपल जवाब देते हैं, सोच का गणितीयकरण, और ये अगर एक प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है तो बच्चों को प्रक्रिया चल गई पता वो दोहरा रहा है, उसमें गणित को ज़्यादा यूज मेंटल हो रहा है, या फिर जब वो नई रणनीति अपना रहा है, नया कुछ पजल सामने आ रही समस्या और अब वो सोच रहा है कि अब मैं इसे कैसे करूं, तब ज़्यादा मैथ में उस पर जोर पड़ रहा है, गणित पड़ रहा है। तो ये आप भी सोचिए कि गणित सीखने का मतलब तर्क की शक्ति बढ़ना, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ना इससे समझ रहे हो, या फिर कुछ प्रक्रियाओं को दोहरा लेने को समझ रहे हो। अगर जैसा हम गणित की परिभाषा मनाएंगे वैसी हमारी प्रक्रिया हो जाएंगी। तो अगर आप गणित को मानते हैं, गणित तर्क बढ़ाने वाला है, गणित तर्क बढ़ाने वाला है, तो ये रणनीति आपको बच्चों को सिखानी होगी। अगर आप ये मानते हैं कि गणित में हम कुछ प्रक्रिया सिखा दें, नंबर लेके आ जाए, तो आप वैसे चल रहा है उसी ढंग से चलते रहेंगे। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी इस टॉपिक पर और
डिटेल में बात कर रहे होंगे क्लासरूम के उदाहरण के साथ में, पर आज की वीडियो का मैसेज यही है कि मानसिक गणनाओं को बच्चों जितने अवसर दिए जाएंगे तो वास्तव में वो गणित कर रहे होंगे। तो ऐसे अवसर दीजिए बच्चों को, इनसे ना रोका जाए, भरपूर अवसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक आसान सा काम, नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। होता क्या है, ये जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, नोटिफिकेशन बेल को नहीं अपनाते हो, तो अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंचती है, तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस कर देते हैं। तो अगर आपको एजुकेशन में क्या अच्छा हो रहा है ये जानना है, तो बस ये सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप दबा दें। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप एक लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे ऐसा करते ही। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।